कई बार त्वचा पर लाल चकते आ जाते हैं जो कई बार सोराइसिस के कारण भी होते हैं। आइए तो आज वर्ल्ड सोराइसिस डे के उपलक्ष्य पर अपने शहर बरोड़ा और देश के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हितेश्री शाह से सोराइसिस के बारे में जानते हैं। डॉक्टर, सोराइसिस के लिए कौन से उपचार उपलब्ध हैं? बेसिकली वेट रिडक्शन से, डेली एक्सरसाइज करने से, बैलेंस डाइट लेने से, ये सबसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें मिलता है। इसके अलावा जो मेडिकल थेरेपी है उसमें बहुत सारी टॉपिकल ट्रीटमेंट्स है और सिस्टमिक मेडिकेशंस भी है जिससे सोरासिस कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा फोटोथेरेपी होती है, एक्साइमर लेजर भी सीवियर ट्रीट होता है। डॉक्टर, सोराइसिस किसे होता है? क्या ये संक्रामक है? नहीं, बिल्कुल भी ये कंटेजियस नहीं होता है, ये छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता है। एंड इसका क्योर क्या है? व्हाट इज द क्योर फॉर दिस? बेसिकली इट इज अ क्रोनिक डिजीज जिसको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की जरूरत है, तो हमको उसको मेडिसिन वगैरह से कंट्रोल में रखना है। डॉक्टर, सोराइसिस क्या है? सोरियासिस बेसिकली एक क्रोनिक स्किन कंडीशन है जिसमें रेड स्केली पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, जो कि कहीं भी जगह डेवलप होते हैं। तो सोरियासिस स्पेसिफिकली विंटर कंडीशन में बढ़ जाता है। ओबेसिटी, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ये सबसे वो वर्सन होता है। इमोशनल स्ट्रेस वगैरह से भी वो वर्सन होता है। कभी कभी कोई ड्रग भी उसको एग्रेवेट कर सकती है। डॉक्टर, सोराइसिस के लिए कौन से उपचार उपलब्ध हैं? बेसिकली वेट रिडक्शन से, डेली एक्सरसाइज करने से, बैलेंस डाइट लेने से, ये सबसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें मिलता है। इसके अलावा जो मेडिकल थेरेपी है उसमें बहुत सारी टॉपिकल ट्रीटमेंट है और सिस्टमिक मेडिकेशन भी है जिससे सोरियासिस कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा फोटोथेरेपी होती है, एक्साइमर लेजर भी सीवियर ट्रीट होता है। डॉक्टर, सोराइसिस किसे होता है? क्या ये संक्रामक है? नहीं, बिल्कुल भी ये कंटेजियस नहीं होता है, ये छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता है। एंड इसका क्योर क्या है? व्हाट इज द क्योर फॉर दिस? बेसिकली इट इज अ क्रोनिक डिजीज जिसको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की जरूरत है, तो हमको उसको मेडिसिन वगैरह से कंट्रोल में रखना है। डॉक्टर, सोराइसिस क्या है? सोरियासिस बेसिकली एक क्रोनिक स्किन कंडीशन है जिसमें रेड स्केली पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, जो कि कहीं भी जगह डेवलप होते हैं। तो सोरियासिस स्पेसिफिकली विंटर कंडीशन में बढ़ जाता है। ओबेसिटी, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ये सबसे वो वर्सन होता है। इमोशनल स्ट्रेस वगैरह से भी वो वर्सन होता है। कभी कभी कोई ड्रग भी उसको एग्रेवेट कर सकती है। डॉक्टर, सोराइसिस के लिए कौन से उपचार उपलब्ध हैं? बेसिकली वेट रिडक्शन से, डेली एक्सरसाइज करने से, बैलेंस डाइट लेने से, ये सबसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें मिलता है। इसके अलावा जो मेडिकल थेरेपी है उसमें बहुत सारी टॉपिकल ट्रीटमेंट है और सिस्टमिक मेडिकेशन भी है जिससे सोरियासिस कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा फोटोथेरेपी होती है, एक्साइमर लेजर भी सीवियर ट्रीट होता है। डॉक्टर, सोराइसिस किसे होता है? क्या ये संक्रामक है? नहीं, बिल्कुल भी ये कंटेजियस नहीं होता है, ये छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता है। एंड इसका क्योर क्या है? व्हाट इज द क्योर फॉर दिस? बेसिकली इट इज अ क्रोनिक डिजीज जिसको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की जरूरत है, तो हमको उसको मेडिसिन वगैरह से कंट्रोल में रखना है। डॉक्टर, सोराइसिस क्या है? सोरियासिस बेसिकली एक क्रोनिक स्किन कंडीशन है जिसमें रेड स्केली पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, जो कि कहीं भी जगह डेवलप होते हैं। तो सोरियासिस स्पेसिफिकली विंटर कंडीशन में बढ़ जाता है। ओबेसिटी, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, ये सबसे वो वर्सन होता है। इमोशनल स्ट्रेस वगैरह से भी वो वर्सन होता है। कभी कभी कोई ड्रग भी उसको एग्रेवेट कर सकती है। डॉक्टर, सोराइसिस के लिए कौन से उपचार उपलब्ध हैं? बेसिकली वेट रिडक्शन से, डेली एक्सरसाइज करने से, बैलेंस डाइट लेने से, ये सबसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें मिलता है। इसके अलावा जो मेडिकल थेरेपी है उसमें बहुत सारी टॉपिकल ट्रीटमेंट है और सिस्टमिक मेडिकेशन भी है जिससे सोरियासिस कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा फोटोथेरेपी होती है, एक्साइमर लेजर भी सीवियर ट्रीट होता है। डॉक्टर, सोराइसिस किसे होता है? क्या ये संक्रामक है? नहीं, बिल्कुल भी ये कंटेजियस नहीं होता है, ये छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता है। एंड इसका क्योर क्या है? व्हाट इज द क्योर फॉर दिस? बेसिकली इट इज अ क्रोनिक डिजीज जिसको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की जरूरत है, तो हमको उसको मेडिसिन वगैरह से कंट्रोल में रखना है।